तो आज हम एक पोएम कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार, और इसके पोएट हैं लॉर्ड टेनिसन। क्रॉसिंग द बार बहुत ही खूबसूरत पोएम है और इसे पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है, पर इससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बार क्या है। यहाँ पे क्रॉसिंग द बार, किस बार को पार करने की बात हो रही है। यहाँ पर इस पोएम में बात हो रही है सैंड बार की। अब ये सैंड बार क्या होता है ये आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये स्लाइड सैंड बार की है। अब इस इमेज को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसी के इर्द गिर्द ये पोएम घूमने वाली है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सैंड बार है ना, ये यहाँ पे मृत्यु को रिप्रेजेंट करता है, डेथ को रिप्रेजेंट करता है, और इसमें लेफ्ट साइड का पानी है ये लाइफ है, ये लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और जो राइट साइड का पानी है ये आफ्टर लाइफ मतलब मृत्यु के बाद जो जिंदगी होती है ना, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मरकर लोग कहाँ जाते हैं किसी को आज तक पता नहीं है, इसलिए उसे आफ्टर लाइफ कहा गया है। तो इसी को बड़े खूबसूरत ढंग से कवि ने समझाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो लाइफ की साइड का पानी है उसे आफ्टर लाइफ के पानी में मर्ज होने के लिए ये जो बीच में सैंड बार आ रहा है डेथ नाम का, इसको पार करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ। तो लाइफ से आफ्टर लाइफ में जाने के लिए हमें एक सैंड बार जिसका नाम डेथ है उसको पार करना पड़ेगा, ठीक है। डेथ को पार करना पड़ेगा, सैंड बार को पार करना पड़ेगा। अब बस इसी इमेज को दिमाग में रखना, इसी से पोएम आसानी से समझ आएगी। तो ठीक है, ज़्यादा देर ना करते हुए पोएम शुरू करते हैं हम। ओके, सो देयर इज फर्स्ट स्टैंजा। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। अब इसमें कवि क्या कहना चाहता है, सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी, मतलब कवि कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि सूर्यास्त के बाद शाम को आसमान में तारे आ चुके हैं, और इन्हीं के साथ उसे अपना बुलावा भी आता हुआ दिख रहा है ईश्वर के पास से, ठीक है। एंड मे बी देयर नो मॉर्निंग ऑफ द बार व्हेन आई पुट आउट टू सी। अब यहाँ पर कवि होप करता है कि उसकी मृत्यु एकदम शांत होनी चाहिए, उसकी मृत्यु पे कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, नॉइज़ नहीं होनी चाहिए, कोई मॉर्निंग, मॉर्निंग यहाँ पे वर्ड आया ना, मे बी देयर बी नो मॉर्निंग, इसका मतलब मॉर्निंग मतलब कराहना, कोई कराह के रोता है ना जैसे, तो कवि ये नहीं चाहता कि उसके मरने पे रोअर आटो। और व्हेन आई पुट आउट टू सी मतलब अब ये उस इमेज को याद करो जो शुरू में दिखाई थी कि जब कवि यहाँ पे कह रहा है जब वो लाइफ वाले सी से बाहर निकले सैंड बार को पार करने के लिए, डेथ को पार करने के लिए, ठीक है। आई होप फर्स्ट स्टैंजा क्लियर होगा। एक बार समराइज कर देते हैं, सूर्यास्त के बाद आसमान में तारे आ चुके हैं और कवि को इन्हीं के साथ उसका बुलावा भी आता हुआ दिख रहा है ईश्वर के पास से, और वो नहीं चाहता कि जब उसकी मृत्यु हो तो उसकी मृत्यु पर कोई शोर मचाए, कोई रोए, कोई दुख मनाए, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा में हमें ये बताया गया, तो चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पे चलते हैं। बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स एस्लीप टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म व्हेन दैट विच ड्रू आउट फ्रॉम बाउंडलेस डीप टर्न्स अगेन होम। अब यहाँ पर कवि कहता है बट सच अ टाइड एज मूविंग सीम्स अस्लीप का मतलब यहाँ पे ये है कि वो चाहता है कि उसे मृत्यु ऐसे आए जैसे समुद्र से एक टाइड, टाइड मतलब लहर, लहर उठती है। टू फुल फॉर साउंड एंड फॉर्म व्हेन दैट विच ड्रू आउट फ्रॉम द बाउंडलेस डीप, ठीक है। तो वो कह रहा है कि उसे मृत्यु ऐसे आए जैसे एक समुद्र में लहर उठती है, और जो सैंड बार की बाउंड्री पे झाग लगे होते हैं, जब लहरें उठती है तो झाग बनाती है वो पानी में, पता होगा है ना। तो जो सैंड बार की जो बाउंड्री होती है ना, उसमें झाग झाग लगा होता है, पानी का बना हुआ होता है वो, तो वो चाहता है कि मृत्यु रूपी लहर उठ के वो जो झाग है सैंड बार का उसे वापस वहीं पे उसी डीप में ले जाए, उसी बाउंडलेस डीप में ले जाए जहाँ से वो उत्पन्न हुआ है। एंड टर्न अगेंस्ट होम मतलब वो वापस अपने घर जा रहा है। यहाँ पर कवि ये कह रहा है कि मृत्यु इंसान को वहीं ले जाती है जहाँ से वो आया है, उसका असली घर वही है, ईश्वर की शरण में, परमात्मा के पास, ठीक है। तो सेकंड स्टैंजा में ये बताया गया है कि मृत्यु एक ऐसी लहर है जो इंसान की आत्मा को वापस उसके घर ले जाती है जहाँ से वो आया होता है। आई होप सेकंड स्टैंजा भी क्लियर हो चुका होगा अभी तक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की ओर। Twilight and evening bell and after the dark and may there be no sadness or farewell when I embark. अब यहाँ पर वो डिफाइन करता है कि twilight and evening bell, twilight का मतलब जब आसमान में दो रंग की लाइट्स दिख रही हो, मतलब इन शॉर्ट शाम का समय, ठीक है। और इवनिंग बेल मतलब आसपास घंटियाँ बज रही है, अब शाम हो गई है और आसपास घंटियाँ बज रही हैं। एंड आफ्टर दैट द डार्क, और रात के आने का समय हो चुका है।
एंड मे देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल। अब यहाँ पर कवि आशा करता है कि उसके मृत्यु पर कोई दुखी ना हो, जब उनका फेयरवेल हो रहा हो, मतलब अंतिम विदाई, फेयरवेल मतलब विदाई, अंतिम विदाई हो रही हो तो कोई रोए ना, कोई दुखी ना हो। व्हेन आई एम्बार्क, एम्बार्क का मतलब सजाना, मतलब जब उनकी अंतिम विदाइयों की तैयारी हो रही हो और उन्हें सजाया जा रहा हो उन्हें विदा करने के लिए, तो कोई दुखी ना हो। देयर बी नो सैडनेस ऑफ फेयरवेल, यहाँ पर विदाई का कोई दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कवि यही डिफाइन करते हैं कि उनकी मृत्यु पर कोई दुखी ना हो, वो यही चाहते हैं कि उनकी फेयरवेल पे कोई दुखी ना हो। अब लास्ट सेंजा पे आते हैं। फॉर दाउ फ्रॉम आउट ऑफ आवर बॉर्ने ऑफ टाइम एंड प्लेस द फ्लड मे बियर मी फार, आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस व्हेन आई हैव टू क्रॉस द बार। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि फॉर दाउ फ्रॉम आउट आवर बॉर्न ऑफ टाइम एंड प्लेस, अब मृत्यु के बाद वो सांसारिक मोह माया थी जो उससे मुक्त हो गए हैं और टाइम का उन पर कोई असर नहीं पड़ता, टाइम का आत्मा पे कोई असर नहीं पड़ता ना, सोल पे टाइम एंड प्लेस का कोई असर नहीं पड़ता। द फ्लड में बियर मी फार, मतलब ये जो मृत्यु रूपी बाढ़ आई है ना, ये उसे, ये चाहता है कि उसमें दूर बह के चल जाए। अब ये देखना चाहता है कवि के वो उसे कितना दूर बहा के लेके जाती है, मतलब अब उसे कैसा सफर तय करना है, वो इसमें बहुत दूर बह कर चले जाना चाहता है। आई होप टू सी माई पायलट फेस टू फेस, इसका मतलब कि वो अपने पायलट मतलब परमात्मा से मैं विलीन होना चाहते हैं, वो उन्हें फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। ठीक है, व्हेन आई हैव टू क्रॉस द बार, पर इन सब के लिए उन्हें पहले बार को क्रॉस करना पड़ेगा, मृत्यु को पार करना पड़ेगा। अभी तो वो लाइफ में है, तभी तो पोएम लिख रहे हैं, पर उन्हें अपने पायलट से फेस टू फेस मिलने के लिए मृत्यु को पार करना पड़ेगा और आफ्टर लाइफ में मर्ज होना पड़ेगा। तो लाइफ और आफ्टर लाइफ के बीच में जो सैंड बार है वो उसे पार करने की तैयारी कर रहे हैं इस पोयम में। ठीक है, अब यहाँ पर इन शॉर्ट उन्होंने ऐसे बताया कि उनकी जो मृत्यु है वो एक नई शुरुआत है, वो जीवन की समाप्ति नहीं है, वो एक नई शुरुआत है। इसलिए उनकी वो जब अपने जीवन नई शुरुआत कर रहे हों मृत्यु के बाद, तो कोई उनकी शुरुआत पर दुखी ना हो, कोई सैडनेस ना हो। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं पोइट। आई होप आपको जो पोएम है ये समझ आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं थी आई गेस। तो चलिए, इसी के साथ ये पोएम यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको पोएम समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें इसको। अगर पोएम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें। आगे भी मैं ऐसी वीडियो डालती रहूँगी। सो कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।